की जय, भारत माता की जय। युवाओं के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोग अमृत महोत्सव अभी मना रहे हैं। आप और हम सोचें उन योद्धाओं के बारे में, सोचें उन दिव्य आत्माओं के बारे में, सोचें उन जागृत आत्माओं के बारे में सोचें जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान देकर अपने देश को आज़ाद किया। आज हम अमृत महोत्सव मनाने लायक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने न तो अपने जान की परवाह की, न अपने परिवार की परवाह की, और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उन्होंने हम लोगों के लिए ये सोचा कि आने वाली पीढ़ी आज़ादी में सांस ले सके, उन्हें वो बंदिशें न झेलनी पड़े जो उन्होंने सही। मैं आप सब युवाओं से एक ही बात कहूँगा कि उनकी दी हुई आज़ादी का हम लोग मिसयूज न करें, हम उसका सदुपयोग करें। और हम उनकी दी हुई आज़ादी का तब सदुपयोग कर पाएंगे जब युवाओं के मन में उन बलिदानियों के प्रति आदर्श हो, आज़ादी का भी दुरुपयोग न हो, हम अपने देश को गलत दिशा में न लेके जाएं, हम अपने देश को उस दिशा में लेकर जाएं, हमारे देश का वो विकास हो जिस दिन कोई भी विश्व में हमारे देश को देखे मुड़ के तो कहे कि विकास हो और चारित्रिक विकास हो तो भारत के युवाओं जैसा होना चाहिए, भारत जैसा होना चाहिए। ये विकास शब्द सिर्फ पैसा, बिल्डिंग, लंबी गाड़ियों तक सीमित न रह जाए। विकास सही माने में होता है चारित्रिक विकास। पता चलना चाहिए हमारा मेंटली स्टेटस क्या है। जितना हम आगे बढ़ेंगे मेंटली, जितना हम आगे बढ़ेंगे चारित्रिक तौर पर, ये राम कृष्ण की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, इस ऋषियों की भूमि का सम्मान करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे संघ के सभी पदाधिकारियों के लिए।